हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्री 2018 का आज 19 अगस्त का जो एग्जाम था उसकी पहली शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वांट में, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन जो मिले हैं वो मैं लेके आपके लिए हाजिर हुआ हूँ, ताकि जिन बच्चों का आगे के स्लॉट्स में है उनको थोड़ा आइडिया। चलो सेशन शुरू करते हैं। अपने स्क्रीन पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 17 है, 52 है, 158 है, 477 है, क्वेश्चन मार्क है 4516। आप देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं और बढ़ने की स्पीड भी बढ़ रही, तो ऑब्वियस मल्टीपल की सीरीज का ऑप्शन देखेंगे। 17 को 52 में कैसे कर सकता हूँ, 17 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 17 51 और एक और जोड़ दूं। अब 52 को 150 के लिए आप देखेंगे, 52 को अगर मैं 3 से करूंगा तो 50 + 2 मानो इसको, तो 150 और 6 156 और ये है 158, तो क्या हुआ (3 + 2) 158 को फिर मैं अगर 3 से करता हूं तो 150 का 3 450 में 8 24 और जोड़ दो 474 और 3 और, तो अपने क्या पैटर्न पकड़ में आ गए कि मल्टीप्लाई 3 से होना है और 1 2 3 ये बढ़ते जाएंगे। तो पहले मैं 1 जुड़ रहा था, फिर 2, तो फिर 3, यहां जुड़ जाएगा 4। तो 477 को 3 से गुणा करने के लिए इसको मनी मन 400 + 70 + 7 माने और फिर उससे करें 3 से गुणा और उसमें जोड़ें 4। तो 400 को आप अगर 400 को करेंगे 3 से तो 400 और 3 1200 और ये क्या क्या आ जाएगा, ये हुआ 1200, ये हो गया 7 21, एक सिफर लग गई और 21 + 4 क्या आ गया 1200 और 2 1410, 1431, 1435, तो 1435 यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको आगे चेक भी करना चाहेंगे तो 1435 को जब आप गुणा करेंगे 3 से तो 1442 और 3535 105, 4305 और उसमें 5 और जोड़ेंगे तो 4310 आपका टेली भी होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक सीरीज है 3 5 7 क्वेश्चन मार्क 13 17, मतलब बड़ा स्मूथली बढ़ रहा। 3 से ये 2 बढ़ा, ये भी 2 बढ़ा, लेकिन अगर यहां 2 बढ़ता है तो यहां 9 आता है और ये 4 बढ़ गए, ये 4 बढ़ गए, तो ये तो सीक्वेंस बैठी नहीं। तो इसमें दो तरीके से हो सकते हैं, आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। अगर यहां ऑप्शन में आपके 11 है तो फिर आप देखेंगे कि ये एक प्राइम नंबर सीरीज है, कॉन्जुगेट प्राइम नंबर से। 3 प्राइम नंबर है, 5 है, 7 है और 7 के बाद क्या आएगा आपका 11, 11 के बाद प्राइम नंबर हुआ 13, 13 के बाद 17, आपका ये बैठ गया अगर 11 का ऑप्शन है तो। अगर 11 का ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन 10 का है इसके अंदर तो आप क्या करेंगे, अगर 11 नहीं है और 10 है तो जैसे अगर मैं यहां इसको 10 बनाता हूं तो क्या आ जाएगा, ये डिफरेंस 2 का था, ये भी 2 का था, ये डिफरेंस 3 का हो गया और ये भी 3 का हो गया, आगे वाला 4 का होगा, फिर वो 4 का हो जाएगा, तो ये भी एक पैटर्न इसमें बनता है। तो ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे। अगर 11 है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, कंजुगेट प्राइम नंबर से 11 को टिक करें, 11 नहीं है और 10 है अगर ऑप्शन तो इसमें 10 भी फिट बैठ जाएगा, क्यों पहले 2 2 का डिफरेंस हुआ, फिर 3 3 का हुआ, फिर आगे 4 4 का पेयर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 12 है, 12 है, 18 है, 45 है, 180 है और देन ये क्वेश्चन मार्क। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि भाई बढ़ रहे हैं और बढ़ने की जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है, इसका मतलब मल्टीपल की सीरीज की इसमें पॉसिबिलिटी देखें। 12 को 12 करने का मतलब 1 से गुणा किया, 12 को 18 डेढ़ से किया और 18 को 45 करने के लिए 18 भाई मैं ये 1 है डेढ़ है तो मैं क्या देखूंगा आगे ऑप्शन, या तो 2 देखूंगा या 3 देखूंगा या 2.5 देखूंगा, तो 2 तो 36 हो गया, 3 54 हो गया, 2.5 कितना हो गया 45 हो गया, तो 2.5 और 45 वाला ये 4 बार हो ही रहा है, 45 का डबल 90, 90 का डबल 180। तो आप इसमें देखेंगे कि जो मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, उनका पहला 1 था, 1 से वो कितना बढ़ा डेढ़, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जो डिफरेंस है ये 0.5 था, ये कितना हो गया डेढ़ और 1, ये आधे से जो पहले 0.5 था डिफरेंस वो 1 हो गया और 1 से ये कितना हो गया डेढ़ हो गया, तो डेढ़ से आगे कितना होगा, पहले 0.5 था फिर 1 था डेढ़ था तो ये होगा 2, तो ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 6। तो 18 को 180 को 6 से आप गुणा करके देख लें, 180 को 6 से करने के लिए अगर आपको डायरेक्ट आ रहा हो 18 छक्के तो ठीक है, नहीं आ रहा है अगर 108 आपका डायरेक्ट हो रहा है तो 1180 आ गया, अगर नहीं आ रहा है तो 180 को आप एक बार ये भी मान लें कि
180 को आप 150 प्लस 30 माने या 200 माइनस 20 माने। अब आपको पता है 15 को ये 900 हो गया और ये 180 आ गया, 1080 आ गया। 20 माइनस 2 अगर आप सॉरी 200 माइनस 20 अगर मानेंगे इसको, 200 माइनस 20 करोगे तो ये 1200, 1200 में से कितने कट गए, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये ज्यादा बढ़िया 150 प्लस 30 और 18 छिका 108 अगर आपको पता है तो इसी पर लगा देंगे 1080, यही आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा 108। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन मिले तो प्लीज मुझे आप साइट पे अपलोड कर सकते हैं ताकि मैं उनका आपको आंसर बता सकूं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कर सकूं। जैसे ही कोई दूसरे और क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे मैं फिर आपके लिए क्वेश्चन लेके हाजिर हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।